मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मनरेगा सभागार में जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर जयशंकर ओझा ने मुख्यमंत्री समेकित चंवर विकास योजना के तहत मनरेगा और मत्स्य विभाग तथा पंचायत प्रतिनिधियों और किसानों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक मनरेगा पीओ शाहिद अली की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर जयशंकर ओझा ने कहा कि चंवर के निचले इलाके में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चंवर विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 22 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, जिसमें आप एक व्यक्ति या समूह में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समूह में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग हो सकते हैं, जिसमें एक हेक्टेयर में 2 तालाब के निर्माण कराए जाने की बातें कही। मनरेगा पीओ शाहिद अली ने योजना से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान जिला मत्स्य विकास पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, जेई बीर बहादुर सिंह, पीटीए केदार चौधरी, बीएफटी रामचंद्र प्रसाद उपस्थित थे। डीलाइन टीवी के लिए मशक से संतोष कुमार की रिपोर्ट। मुखिया संघ अध्यक्ष अमर कुमार सिंह मसला पूर्वी पंचायत के प्रतिनिधि, आज हम लोग यहाँ ब्लॉक में बैठक हुई, जिस बैठक में जो कल्याण पदाधिकारी जो मत्स्य विभाग के हैं वो आए हुए हैं और जो मेरे पंचायत में जो भी ग्रामीण जनता हैं जिनका जमीन है मछली पालन के लिए, खेती मछली पालन करने के लिए, पोखरा खोलने के लिए, उन्हीं के बारे में वो समझाएं। ये योजना बहुत अच्छा योजना है। हम ये भी बोले कि जितना लोग इस योजना का लाभ उठा सके उठाएं। 22 तारीख तक इसका डेट है, ऑनलाइन आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं और आगे चल के इसका बहुत बढ़िया लाभ है सरकार के द्वारा, ये करें, ये हमारा भी निर्देश है। उन मत्स्य पदाधिकारी जिला से आए थे, उनकी अध्यक्षता में मशरक पूर्वी, मशरक पश्चिमी और बंगरा पंचायत के माननीय मुखिया जी भी थे और उस पंचायत से किसान भी आए थे, क्योंकि अभी एक नया इसकी मत्स्य विभाग से आया मनरेगा और मत्स्य विभाग के अभिसरण से तालाब का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर है या जिनके पास भूमि है, बंजर भूमि है, उसको डेवलप करने के लिए, ताकि उनको आय में वृद्धि हो, तो इसका निर्माण मत्स्य विभाग ये चाहती है कि इसका निर्माण क्लस्टर बेसिस पे किया जाए। मतलब एक जगह होने से होता है कि उसका ट्रेड एंड कॉमर्स आसान होता है। मान लिया कि एक जगह एक किसान के पास उतना भूमि उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो आसपास के किसान हैं उन सभी लोगों के साथ एक बैठक करके और सभी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगना है, खेत का एलपीसी लगना है या करंट रसीद है या आधार कार्ड है, ऑनलाइन आवेदन के बाद स्वीकृति होने के बाद फिर